नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। इससे पहले इस पर एक वीडियो बना भी दिए थे। आज के इस वीडियो में दोस्तों DCECE यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग, पारामेडिकल और पारामेडिकल डेंटल के संबंध में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ी कितना लगेगा, टोटल सीट कितना है और इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है। साथ ही साथ दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ जो भी अदर डिटेल है उसको भी शामिल करते हुए इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नए साथी हैं तो इस तरह से अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको किसी और टॉपिक पर यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक के किसी और जानकारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा और उस पर हम स्पेशल वीडियो फिर से बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख भी चुके होंगे, तो BCECE बोर्ड जो होता है ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन कंडक्ट कराता है। तो इसमें जो है ये चारों कोर्स आते हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पार्ट टाइम इंजीनियरिंग, पारामेडिकल और पारामेडिकल डेंटल। तो चलिए इसके संबंध में हम सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं और ITI का भी फॉर्म आ चुका है। तो दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 18 मार्च 2020 से और अंतिम तिथि है 17 मार्च के बाद अप्रैल 2020 तक। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन के माध्यम से पे करेंगे तो 18 अप्रैल तक आप पेमेंट कर सकते हैं और यहां पर लास्ट डेट जो है पे करने का 19 अप्रैल को भी आप पे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एडिटिंग का भी, अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का त्रुटि हो गया है आपके फॉर्म में तो आप उसे एडिट कर सकते हैं 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। इसके बाद दोस्तों एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा 30 अप्रैल को। इसके बाद दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग 9/5/2020 को आपका एग्ज़ाम होगा, और जो भी पारामेडिकल और पारामेडिकल डेंटल के स्टूडेंट होंगे तो उसका एग्ज़ाम 10/5/2020 को होगा। अब दोस्तों इसमें जो है चार ग्रुप होते हैं, पहला ग्रुप में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, दूसरा ग्रुप में पार्ट टाइम इंजीनियरिंग और तीसरा ग्रुप में पारामेडिकल और चौथा ग्रुप में पारामेडिकल डेंटल आते हैं। अब दोस्तों फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी जो दोस्तों लग रहा है केवल और केवल एक ग्रुप का आप फॉर्म भरते हैं यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का केवल फॉर्म भरते हैं तो आपको ₹750 लगेंगे जनरल BC और EBC को, और जो भी ST SC कैटेगरी के हैं या फिर विकलांग कोटा के हैं तो उनको जो है ₹480 लगेंगे। और दोस्तों दूसरा सिलेबस ग्रुप, जैसे कि दूसरा में हम आपको बताएं कि PPE आता है यानी कि पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, तो इसमें जो है ₹850 लगेगा। तो इसका मतलब है आप इसको और इसको दोनों भाग को भरते हैं तो मात्र आपको ₹850 ही लगेंगे, यानी कि इसको भी फिलअप करेंगे तो ₹850 लगेंगे और जो भी SC ST DQ कोटा से हैं उनको ₹530 लगेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेबस थर्ड ग्रुप का, अगर आप अप्लाई करते हैं, कहने का मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग भी, पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग भी और साथ में पारामेडिकल का भी अप्लाई करते हैं यानी कि फॉर्म भरते हैं तो आपको ₹950 लगेंगे जनरल BC EBC को, और ST SC और जो भी विकलांग कोटा से हैं उसको ₹630। अगर आप सभी का अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल BC EBC के जो भी हैं ₹1150 और ST SC और DQ कोटा से जो भी हैं उसको ₹730। तो इस तरह से दोस्तों ये आता है पहला ग्रुप में, ये दूसरा ग्रुप में, ये तीसरा और ये चौथा। पहला ग्रुप का मतलब केवल हुआ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, दूसरा ग्रुप का मतलब ये हुआ कि आप जो है दोनों अप्लाई करेंगे, तीसरा ग्रुप का मतलब ये हुआ कि आप ये तीनों अप्लाई करेंगे, और चौथा ग्रुप का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप सभी के लिए अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं टोटल सीट के बारे में।
दोस्तों 22,349 सीट है, तो इस बार जो है सीट की संख्या कुछ बढ़ाई गई है, हो सकता है आगे और भी अपडेट किया जा सके। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिटेशन के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो है कोई भी एज लिमिट नहीं किया गया है मैक्सिमम एज, ठीक ना। कम से कम जो है 17 वर्ष होना चाहिए पार्ट टाइम इंजीनियरिंग के लिए 1/7/2020 को। इसके बाद पैरामेडिकल के लिए 15 वर्ष होना चाहिए 31/12/2020 को। और पैरामेडिकल यहाँ है पैरामेडिकल डेंटल, आप देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बेहतर कोर्स जो होता है ITI और पॉलिटेक्निक में अगर बात करें तो आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग बेहतर होता है। ITI जो होता है एक लेबर ट्रेनिंग होता है, तो केवल यह लेबर होता है, और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग अगर आप कर लेते हैं तो ITI वाले आपके अंदर काम करते हैं, तो ये जो है एक प्रोफेशनल जॉब पा सकते हैं आप डायरेक्ट, लेकिन ITI करने के बाद आप जॉब नहीं पा सकते हैं। तो इसके डिफरेंस के बारे में भी हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल आप जान लीजिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग अगर आप अप्लाई करते हैं इसके लिए तो कम से कम आप 10th पास होना चाहिए आपको, और या फिर किसी और अदर बोर्ड से हैं तो 35% मार्क्स से आपको पास होना पड़ेगा किसी भी बोर्ड से, ठीक ना। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इससे पहले ये जो है नहीं था दिया हुआ, तो इस बार से अपियरिंग वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं। तो अभी जो है आपका मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैट्रिक का रिजल्ट भी जो है 20 अप्रैल तक में आ जाएगा, तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। वैसे जो है वैसे डेट यहाँ पर लास्ट हो जाएगा उससे पहले ही, लेकिन आप सभी जो है 15 को कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म फिलअप करें, 15 तक में अगर रिजल्ट आ जाए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं PPE के लिए, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग। ये जो होता है 10th क्लास और या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आप कोई कोर्स किए हुए हैं या फिर 2 वर्ष का ITI किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, बहुत सारे ये भी बोलेंगे कि ITI करने के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पैरामेडिकल डेंटल के लिए दोस्तों ये जो होता है 10th स्टैंडर्ड होता है, अगर आप 10th पास हैं या फिर इसके समतुल्य किसी और बोर्ड से आप जो है पास हैं जिसमें साइंस और इंग्लिश में 35% मार्क्स होना काफ़ी ज़रूरी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पारा मेडिकल के संबंध में कि कौन कौन से स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों जो है ये जो है जो पारा मेडिकल मेडिकल कोर्स है इंटरमीडिएट साइंस स्टूडेंट और इसके समतुल्य और कोई बोर्ड से अगर आप पास हैं, जैसे कि फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर आपका जो है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है इसके साथ इनमें से कोई एक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश ये आपका कंपलसरी है और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए तो आप पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए बहुत सारे ये भी बोलेंगे कि मेरा जो है बायोलॉजी नहीं है तो भर सकेंगे या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कहा यहाँ पर साफ साफ कह दिया है यदि आपके पास मैथमेटिक्स या बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप भर सकते हैं। अब दोस्तों पैरामेडिकल में ही आता है GNM कोर्स आता है, ठीक ना। इस डिप्लोमा कोर्स में GNM डिप्लोमा कोर्स होता है, तो ये जो है 10th+2 यानी कि कहने का मतलब इंटर लेवल के कोर्स होते हैं। अगर आप इंटर पास हैं कम से कम 40% मार्क्स से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपका और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों आपका कंपलसरी है। और यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर था फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश कंपलसरी था और मैथमेटिक्स में से और बायोलॉजी में से कोई एक चाहिए था, लेकिन उसी में GNM कोर्स में एडमिशन लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका कंपलसरी होना चाहिए और साथ ही साथ आपका इंग्लिश होना चाहिए। अगर दोस्तों यदि आप ST SC कैंडिडेट से आते हैं तो आपको 5% छूट मिल जाएगा, यानी कि 35% भी अगर मार्क्स है आपका इस कैटेगरी से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं पैरामेडिकल में ही एएनएम कोर्स आता है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और 40% मार्क्स से आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, मतलब कि आप इस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो पैरामेडिकल का फॉर्म भरिएगा तो उसी में जो है ये दोनों कोर्स है, इसके साथ साथ और भी कई सारे कोर्स हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, और जो भी रेस्ट कोर्स है वो भी आपका इंटरमीडिएट ही है, साइंस होना चाहिए इंटरमीडिएट में। उसके बाद जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका कंपलसरी होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है आप रजिस्ट्रेशन करें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर। इसके बाद दोस्तों आपका जो है मैट्रिक और इंटर का जो है डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट वो लगेगा, और ऑनलाइन करने के बाद पार्ट ए और पार्ट बी आपको रिसीविंग देगा, इसे ज़रूर रख लीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी। दोस्तों जैसे कि आप सभी जो है जाति, आवासीय और आय जो है ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक ना, बनवा लीजिएगा ब्लॉक से, और उसको जिला से वेरीफाई कर लीजिएगा, अनुमंडल से वेरीफाई कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो प्रत्येक साल करेंट जाति, आवासीय, आय आपका होना चाहिए। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों सिलेबस के लिए हम आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, जस्ट इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। सभी के लिए स्पेशल रूप से हम सिलेबस भी बता देंगे। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए। यदि आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, और हो सके तो वीडियो भी हम बना देंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।